नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम इस वीडियो द्वारा जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है शादीशुदा औरत का वशीकरण, मंत्रा उपाय टोटके इन हिंदी। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी शादीशुदा औरत को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं शादीशुदा औरत को वश में कैसे करें। शादीशुदा औरत को वश में करने का अचूक उपाय। तो दोस्तों, देखा जाता है कि प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती। प्यार एक ऐसा मीठा एहसास होता है जिसको करने के लिए न तो उम्र देखी जाती है और न ही सूरत देखी जाती है। कुछ ही लोग प्यार में सफल हो पाते हैं जो दिलो जान से किसी को चाहते हैं और वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। सच्चे प्यार में न तो उम्र आती है, न पैसा आता है, न शक्ल आती है, न सूरत आती। जिसके रहते हैं कई बार हम शादीशुदा औरत से भी प्यार कर बैठ जाते हैं। किसी के साथ प्यार में पड़ जाना बुरी बात नहीं होती। अगर आपको किसी शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है तो आपके लिए उसको पाना मुश्किल हो जाता है। अपने प्यार को न पाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शादीशुदा औरत आपको पसंद नहीं करती है, या फिर अपने पति से डरती है, या कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अगर वो आपसे प्यार नहीं करती पर आप उससे प्यार करते हैं, आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो आइए जानते हैं शादीशुदा औरत को वश में करने का अचूक उपाय। तो दोस्तों, किसी भी शादीशुदा औरत को वश में करने के लिए उस औरत की फोटो लेकर, चार कपूर की टिक्की और सिंदूर लेकर, अपना खुद का पहना हुआ कपड़ा, उस सात दाने चावल के चीनी में मिला हुआ पानी आपको लेना होगा। शादीशुदा औरत को वश में करने का तरीका, आपको क्या करना है, शनिवार की रात को उस औरत की फोटो लेकर उस पर लाल सिंदूर लगाना है और अपने पहने हुए कपड़े और चावल के साथ आने कपूर की टिक्की को बांध कर रख देना है। और आपको इस पूजा विधि को करने के बाद इस सारे सामान को अपने तकिए के पास रख कर सो जाना है। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको सबसे पहले वह चीनी का पानी पी लेना है और फिर उस पूजा किए सारे सामान को अपने सामने रख कर दिए गए मंत्रा का जाप करना है। तो दोस्तों, मंत्र आप हमारे पंडित जी से कोट करके जान सकते हैं। टोटका करने में कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे पंडित जी आपको मंत्रा और टोटका बिल्कुल आसानी से बताएंगे। तो दोस्तों, टोटका करने से पहले हमारे पंडित जी से जरूर संपर्क करें। हमारी आज की वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया नहीं किया तो अभी जरूर कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत